हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लॉ से रिलेटेड अभी जैसे कि बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं। अब ये जो वीडियो है बाल श्रम पे है, तो ये जो बुक प्रोवाइड की गई है DLSA से पानीपत के थ्रू, मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पानीपत, अमित शर्मा CGM द्वारा। तो थैंक्स टू DLSA पानीपत। तो जो ये वीडियो है उनके लिए बनाई गई है बाल श्रम के ऊपर। बाल श्रम क्या होता है, जैसे कि कहीं भी मतलब जैसे कि 14 साल से जो कम के बच्चे होते हैं, फैक्ट्री वगैरह में काम करवाना, जैसे कि कहीं औरतें भी क्या करती हैं, झाड़ू पोछा लगाने के लिए लड़कियों को रख लेती हैं, कम उम्र की होती हैं वो, तो ठीक है। तो ऐसे से जो काम होते हैं कि बच्चे से काम करवाना, तो वो बाल श्रम की कैटेगरी में आते हैं। तो बाल श्रम होता क्या क्या है, इसके बारे में तो हम थोड़ा बता चुके हैं आपको। तो इसमें थोड़ा सा जो परिचय हम देना चाहेंगे, तो वो ये बताएंगे जैसे कि जो गली मोहल्लों में जो कार्यकर्त, मतलब जो बच्चे होते हैं, ये गली में जूता पारिश करने वाले, कूड़ा उठाने वाले, भिखारी की तरह काम करते हैं, तो वह सभी इसके कैटेगरी में आते हैं। बाल मजदूरी उन बच्चों द्वारा जो वेतन के लिए अवैतनिक रूप से किसी भी उद्योग, कार्यालय, संस्था, खदान या सेवा क्षेत्र में घरेलू काम कर रहे हैं उसके लिए है। वह बाल श्रम जो पारिवारिक व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, जैसे खेती बाड़ी और घरेलू कार्य, तो ये भी बाल श्रम के उसमें आता है कैटेगरी में। बंधुआ मजदूर बच्चे जो अपना परिवार का जो तीन चुकाने के लिए बंधुआ बनाए जाते हैं, तो उन्हें विवशतापूर्वक बंधुआ मजदूर करनी पड़ती है, क्योंकि उनके परिवार ने ऋण लिया होता है, तो उनको आखिर में क्या करना पड़ता है, मतलब बंधुआ मजदूर बनना पड़ता है। ठीक है, जो बच्चे की जो इसमें परिभाषा दी गई है कि भाई जो 14 साल, जो अभी 14 वर्ष का नहीं हुआ है, वो बच्चे की कैटेगरी में है, ठीक है। और इससे बाल श्रम से क्या होता है कि वो कभी खेल कूद नहीं पाता, वो अपना शैक्षणिक कार्य में अपना भाग नहीं ले पाता, तो इससे काफ़ी इसकी मतलब जो डेवलपमेंट होती है उसको काफ़ी नुकसान पहुँचता है, वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाता, उसका दिमाग इन चीज़ों में उलझा रह जाता है, ठीक है। उन्हें प्राय उनके परिवार से अलग रखा जाता है, उन्हें लाभ पर शिक्षा तथा प्रशिक्षण अवसरों से वंचित रखा जाता है, उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। बाल श्रम के कारण बाल श्रमिक गरीबी, बेरोजगारी, अल्प बेरोजगार, कम मजदूरी के दुष्कर्म में फंसे हैं, ठीक है। तो जो बाल श्रमिक होते हैं वो गरीबी, बेरोजगारी, अल्प रोजगार तथा कम मजदूरी के दुष्चक्कर में फंसे हैं। तीन प्राथमिक कारक उसके लिए उत्तरदायी है, संसाधनों का असमान वितरण, केंद्रीकृत तथा असंतुलित अर्थव्यवस्था। ये कृषि का जो पिछड़ा स्वरूप होता है वो बाल श्रम के कारण है, ठीक है भाई। जैसे कि जो संसाधन है उसका असमानता वितरण हो रहा है, असंतुलित अर्थव्यवस्था है, कृषि का पिछड़ा रूप है, तो ये भी इसके कारण है। और सबसे ये भी कारण है कि इसके बाल श्रम के जो के परिणाम के बारे में अभिभावकों की को भी नहीं पता, मतलब कि माता पिता को भी नहीं पता। बच्चों की जो पारिवारिक दक्षता सिखाने की जो परंपरा है, ये कि भाई बचपन से ही वो उस काम में लग जाए, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं सोच इस सामाजिक उदासीनता होती है श्रमिकों के प्रति, बाल श्रमिकों के प्रति, तो वो भी इस कारण पर पहुँचती है। जो स्कूल की उपलब्धता है या इसका न होना, तो ये भी कहीं ना कहीं बनता है एक कारण, ठीक है। बेरोजगारी या कम पारिवारिक आय हो, या बच्चों की नियुक्ता के लिए वरीयता, चूंकि वह सस्ते श्रमिक हैं, शहरी क्षेत्र में प्रवास, बड़े परिवार, बच्चे पारिवारिक आय की अनुपूर्ति करते हैं, जाति प्रथा की व्यवसाय कठोरता, असंगठित क्षेत्र में रोजगार संरचना, ठीक है। तो ये भी आता है सर्वजनीन अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का ना होना, बाल श्रम से संबंधित विधिक उपबंधों, लीगल प्रोविजन का अप्रभावी परिवर्तन भी होता है। बच्चों के आर्थिक शोषण के कारण नियोक्ता का विश्वास है कि बच्चों में उनके उद्योग के लिए उपयुक्त कुछ एक अपेक्षित गुण होते हैं। बाल श्रमिकों के रोजगार को आर्थिक रूप से व्यवहार्य समझा जाता है, चूँकि समान जो कार्य है उसमें लगे हुए प्रौढ़ कारीगर की तुलना में बाल श्रमिक अधिक घंटे कार्य करता है, जिसके लिए बच्चा अपेक्षाकृत कम मजदूरी प्राप्त करता है। बच्चे जल्दी सीख जाते हैं तथा तो मिनटों में कार्य करने की दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। वह विरोध नहीं करते चूंकि वो अपने अधिकारों के बारे में अनभिज्ञ हैं। भोले भाले तथा सरल होने का कारण उन्हें आसानी से प्रभावित कर दिया जाता है। वे अपनी उचित मजदूरी के लिए सत्ताबाजी तथा निर्धारित करने में असमर्थ होते हैं। अवबोध होने के कारण उन्हें कार्य से जुड़े खतरों का ज्ञान नहीं होता। अब जब उनकी सेवाओं की आवश्यकता ना हो, तब उन्हें हटाया जा सकता है। उनकी जो रख रखाव में जो लागत होती है, वो भी बहुत कम होती है। बाल श्रम के प्रकार, कार्य में लगे हुए बच्चे।
असंगठित परिवार अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में मजदूरों के रूप में लगे होते हैं, तो जो कानून के दायरे में नहीं आते। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में प्रवासी मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। तीन तथा अथवा ली गई राशि के बदले में अभिभावक अथवा संरक्षित द्वारा नियुक्त के बंधक रखे बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करते हैं। ओके, अर्थव्यवस्था में के क्षेत्र जिनमें बच्चे कार्य करते हैं। बच्चों को विभिन्न गृह आधारित उद्योगों की विभिन्न विनिर्माण प्रक्रिया में लगाया जाता है। वे प्राय मानवीय शोषणात्मक स्थिति में काम करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है: पीतल के बर्तन, ताला आदि सिलाई, हीरे तराशना, रत्न पॉलिश करना, कांच चूड़ी बनाने का उद्योग, कालीन बनाना, पत्थर खदान, ईंटों के भट्ठे, बीड़ी बनाना, रेशम कीट पालन। ठीक है, कृषि जो क्षेत्र है वो ये है: सेल्फ एम्प्लॉयड, इनविजिबल, और ठीक है, मजदूरी आधारित रोजगार है। बच्चों के जो स्वास्थ्य पर बाल श्रम का जो प्रतिकूल प्रभाव है वो ये है कि वे स्थायी भौतिक और मनोवैज्ञानिक हानि का खतरा उठाते हैं। ठीक है, जैसे कि श्वसन समस्या, जैसे कि दमा, यक्ष्मा, कुट यक्ष्मा कहते हैं ट्यूबरक्लोसिस का, ट्यूबरक्लोस ट्यूबर को कहते हैं ट्यूबर को ट्यूबरक्लोसिस को कहते हैं यक्ष्मा, जो मतलब बच्चों के ऊपर क्या उसका गलत प्रभाव पड़ता है कि एक तो श्वसन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, दमा जैसी बीमारियाँ स्टार्ट होती हैं, बदन दर्द जोड़ों का रहना, या कमजोरी दृष्टि से उसकी आँखें में समस्या, जैसे पानी जलन, आँखों की लाली, भूखना लगना, ट्यूमर तथा जलन, करगा पर करने के कारण डिसेबिलिटी, तथा उनके बढ़ने के साथ साथ गठिया का खतरा होना, मानसिक डिसेबिलिटी, ठीक है, मेंटल डिसेबिलिटी भी रहती है। ठीक है, बाल श्रम के लिए अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं? अधिनियम 1986 की क्या विशेषताएं हैं? 86 को हम इस तरह याद रखेंगे क्योंकि जो इंदिरा गांधी थी वो 84 में उनकी डेथ हुई थी, तो उसके 2 साल बाद बाल श्रम अधिनियम बना है 1986, इस तरह भी याद रख सकते हैं उसे। ठीक है, जो बाल श्रम है कार्य की परिस्थितियों का नियमन करता है, जहाँ बच्चों को कार्य करने से निषेध नहीं किया जा सकता। ठीक है, अधिनियम अन्य अधिनियमों के बंद के उल्लंघन में बच्चों के लिए रोजगार के लिए आर्थिक दंड निर्धारित करता है। ठीक है, 14 वर्ष की जो पूरी आयु जिन्हें नहीं की रोजगार के जो निषेध है उसको रोक लगाता है। ठीक है, अधिनियम की धारा 14 में उस व्यक्ति के लिए जो धारा 3 में बंद के उल्लंघन से बच्चों पर के काम पर लगाता है अथवा अनुमति देता है, 1 वर्ष की सजा, कम से कम 3 मास अथवा ₹20,000 के दंड, कम से कम 10,000 अथवा दोनों का प्रावधान है। यदि कोई इस अधिनियम की अधिनियम की जो धारा है 14, तो यदि कोई ऐसा अपराध करते पाया जाता है तो उस अधिनियम की धारा 14 के अनुसार, जो धारा 3 में भी उपबंध है कि उल्लंघन में बच्चों से यदि कोई काम करवाता है या अथवा अनुमति देता है, 1 वर्ष की जो सजा होगी कम से कम जो 3 मास की है, ठीक है, अथवा ₹20,000 के दंड, या कम से कम ₹10,000 अथवा दोनों का प्रावधान है। ठीक है, व्यवसाय अथवा तथा प्रक्रियाओं में जिन पर अधिनियम द्वारा रोक नहीं है, बच्चों की नियुक्ति का नियमन नियमित निम्नलिखित तो बंद द्वारा किया जा सकता है: बच्चों को 1 घंटे में छः एक दिन में 6 घंटे से अधिक कार्य कराना अपेक्षित नहीं है, जिसमें आधे घंटे का अवकाश शामिल होगा। किसी भी बच्चे को 7 वर्ष से 7 बजे से प्रातः या 8 बजे के बीच कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी बच्चे को साय 7 बजे से प्रातः 8 बजे तक के बीच कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी अथवा कार्य अपेक्षित होगा। ठीक है, वो ज़्यादा मतलब काम आना जाएगा। ठीक है, तो जब 6 घंटे का काम है तो एक दिन में तो आधे घंटे की लीव, और 7 बजे के बाद और 8 बजे के बीच काम नहीं करवा सकते। एक दूसरा नियम यह था जो किसी भी बच्चे को समय अपरि कार्य करना अपेक्षित अथवा अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रत्येक बच्चे की सप्ताह में एक छुट्टी होगी। बच्चों के रोजगार के संबंध में निरीक्षक को सूचना प्रस्तुत करना नियुक्ता के लिए अनिवार्य होगा। नियुक्ता के लिए इस विषय पर रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा। बाल श्रम जो इलिमिनेशन है, उन्मूलन है, इसके लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या निर्देश दिए गए? उच्चतम न्यायालय ने MC मेहता बनाम तमिलनाडु में नीतिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ व्यवहारिक कदम उठाए हैं। कार्यरत बच्चों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण, जोखिम उद्यमों में कार्यरत बच्चों को निकालना, ठीक है, उपयुक्त जो संस्थाएं हैं उसमें शिक्षा को सुनिश्चित करना। तीसरा है अपराधी नियोक्ता से अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में कार्य पर काम पर लगाए गए प्रत्येक बच्चे के लिए ₹20,000 का मुआवजा, ठीक है, देने के लिए कहा गया। नियुक्त की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होगी, वह चाहे बच्चे को हटा भी दे। चौथा, इस प्रकार एक जो इकट्ठी की गई राशि है बाल श्रमिक के पुनर्वास एवं कल्याण कोष के रूप में ज्ञात एक कोष में जमा कर लिया जाता है।
कौशिक संग्रह का रूप धारण कर लेगा, जिसमें आय केवल संबंधित बच्चे के लिए प्रयोग की जाएगी। अधिक आमदनी पैदा करने के लिए राशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक निकाय की उच्च मुनाफा स्कीम में जमा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात की गई कि जो कार्यरत बच्चे उनको पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है, जो जोखिम उद्योग हैं उसमें जो बच्चों को कार्यरत बच्चों को निकाला जाता है, और उपयुक्त संस्थानों में उनको शिक्षा निश्चित करवाई जाती है, और जो इन तरह का काम करवा रहे हैं उन बच्चों से, तो उनके ऊपर 20,000 का मुआवजा भी उनको देने के लिए कहा जाता है। और फिर भी नियोक्ता की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होगी, वह कार्य से बच्चे को हटा भी दे तो ठीक है, तो भी इसके ऊपर 20,000 का जुर्माना लगता ही है। तो पांचवी जो इसमें बात थी, चूंकि आमदनी बच्चे के रोजगार के लिए अभिभावकों सुरक्षा को रोकने के लिए प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आमदनी बच्चे के रोजगार के लिए अभिभावकों सुरक्षण को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, इस उत्तरदायित्व को पूरा करना राज्य करते हुए है कि जो परिवार गरीब है उसके परिवार के जो वयस्क सदस्य को रोजगार देना चाहिए, जिससे बच्चों को जोखिम उद्योगों पर न लगाया जाए। तो कोशिश की जाती है कि जो ऐसे परिवार हैं जिनको मतलब अपने बच्चों से भी काम करवाना पड़ रहा है मजबूरी में, तो ऐसे उनको मतलब अपनी आय का साधन देने के लिए उनका बना रहे, तो उनको रोजगार दिया जाता है ताकि वो गरीब न रहे और अपने बच्चों को जोखिम वाले कार्यों में ना लगाए। छठा है, उन मामले में जहां रोजगार देना संभव नहीं होगा, सरकार अपने अंशदायी अनुदान के रूप में कारखाने अथवा खान अथवा किसी अन्य खतरनाक रोजगारों में नियुक्त प्रत्येक बच्चे के लिए 5,000 रुपये की राशि बाल श्रमिक पुनर्वास एवं कल्याण कोष में जमा करेगी। ठीक है, तो अथवा खान अथवा किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नियुक्त प्रत्येक बच्चे के लिए 5,000 रुपये की राशि बाल श्रमिक पुनर्वास एवं कल्याण कोष में जमा करेगी। ठीक है, सेवन, दोनों में से प्रत्येक मामले में चाहे बच्चे के परिवार के स्थान पर परिवार के वयस्क सदस्य को रोजगार प्रदान कर दिया जाता है, दोनों में से प्रत्येक मामले में चाहे बच्चे के स्थान पर परिवार के वयस्क सदस्य को रोजगार प्रदान कर दिया जाता है अथवा नहीं, बच्चे को काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, आठवां, उन मामलों में जहां उपयुक्त रूप से वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, संबंधित बच्चे के अभिभावक संरक्षक को वह आय दे दी जाएगी जो प्रत्येक बच्चे के लिए प्रत्येक मास रूप 25,000 रुपये की राशि अर्जित होगी। ठीक है, यदि अभिभावक संरक्षक बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजेगा तो उसे रोजगार से हटा दिया जाएगा और आय की अदायगी नहीं की जाएगी। उन मामलों में जहां उपयुक्त रूप से वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सका, समस्त बच्चे के अभिभावक संरक्षक को वह आय दी जाएगी पर जो प्रत्येक बच्चे के प्रत्येक मास रूप 25,000 रुपये की राशि पर अर्जित होगी। यदि अभिभावक संरक्षक बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजेगा तो उसे रोजगार से हटा दिया जाएगा। इसमें यह कहा गया कि भाई उनको ही रोजगार दिया जाता है, उन्हें ही 25,000 रुपये दिए जाएंगे जो कि अपने बच्चे को पढ़ाएगा, अच्छी तरीके से उनका वो करेगा, विकास करवाएगा, अदरवाइज उनको रोजगार से हटा दिया जाएगा, उनको ये आय की अदायगी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यही बच्चे की के संरक्षण के लिए प्रत्येक मास जो कि प्रत्येक मास रूप जो 25,000 रुपये की राशि अर्जित होगी, तो ऐसे मतलब अपने रोजगार के थ्रू, तो ऐसा मतलब ये तो ये अभी विधान बनाया गया है कि भाई इनको आय दी जाएगी, जो भी बच्चे हैं उनके माँ बाप को 25,000 रुपये दिया जाएगा आय के रूप में, यदि इनको रोजगार उपलब्ध भी नहीं करवाएगा तब भी। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय श्रम नीति के अनुसार प्राथमिक कार्रवाई हेतु कुछ उद्योगों को पहले ही पता लगा लिया गया है। ठीक है, नंबर 10, जिला संरक्षण की एक इकाई हो सकता है ताकि जिले का कार्यकारी प्रमुख निरीक्षकों पर नजर रख सके। 11, जोखिम रोजगार के संबंध में निरीक्षकों को यह देखना होगा कि बच्चों के काम करने के घंटे एक दिन में 4 से 6 घंटों के अधिक ना हो, जो बच्चे जो काम करते हैं उनका जो टाइम आवर है 4 से 6 घंटे से अधिक ना हो। यदि वे प्रत्येक मास कम से कम 2 घंटे शिक्षा प्राप्त करें तो वे प्रत्येक दिन कम से कम 2 घंटे शिक्षा प्राप्त करें। ये देखा गया कि शिक्षा का सारा खर्च नियुक्त द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे जो ये था, ये सारा टॉपिक बाल श्रम से रिलेटेड था। इसकी जो बुक है आज ही आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। devanshi.com को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, YouTube चैनल को, डिजिटल लिटरेसी ज्ञान को भी, इंडियन कंज्यूमर एक्सपीरियंस को भी। इसके अलावा जो हमारे अदर जैसे कि सोशल मीडिया अकाउंट हैं, Devanshi के नाम से ही हैं,
DEEEEVEEEE NFHI, तो उनको भी जरूर लाइक फॉलो सब्सक्राइब करिएगा था, और जरूर बताइए कि ये जो बाल श्रम का टॉपिक है आपको कितना समझ आया, और कुछ नहीं समझ आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं, और सोशल मीडिया पे आप जितने हमें जुड़ेंगे हमारे साथ हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, आप अपने नए जो टॉपिक हैं सजेस्ट हमें कर सकते हैं, और जो भी कुछ बातचीत करनी है वहाँ भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।